भाजपा का गढ़ माने जाने वाली जयपुर शहर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल को मैदान में उतारकर महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के साथ जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश की है। भाजपा ने अपने निवर्तमान सांसद रामचंद्रन बोहरा को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। तेज तर्रार ज्योति खंडेलवाल से सदे हुए राजनेता रामचंद्रन का रोचक मुकाबला होने की उम्मीद है। दोनों उम्मीदवारों के बारे में जानने से पहले आइए जरा जयपुर शहरी लोकसभा सीट के बारे में जान लेते हैं। जयपुर शहर लोकसभा सीट में हवा महल, विद्याधर नगर, सिविल लाइन्स, किशनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, बागरू और झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मतदाता शुरू से ही कांग्रेस विरोध की राह पर चलते रहे हैं। अभी तक हुए 16 चुनाव में सिर्फ 3 बार जयपुर ने कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताकर लोकसभा में भेजा है। भाजपा के गिरधारी लाल भार्गव 1999 से 2004 तक लगातार 6 बार जयपुर से चुनाव जीत चुके हैं। परिसीमन के समय जयपुर लोकसभा क्षेत्र को 2 हिस्सों जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण में बांट दिया गया। परिसीमन के बाद 2009 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर महेश जोशी विजयी रहे थे। 2014 में भाजपा के रामचंद्रन बोहरा ने डॉक्टर महेश जोशी को हराकर पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया। डॉक्टर महेश जोशी इस बार भी टिकट की दौड़ में शामिल थे, लेकिन ज्योति खंडेलवाल ने कांग्रेस हाईकमान के सामने अपने केस की अच्छी तरह से पैरवी करके टिकट प्राप्त कर ली। ज्योति खंडेलवाल 2009 में भाजपा के सुमन शर्मा को सीधे चुनाव में हराकर जयपुर नगर निगम की मेयर चुनी गई थी। ज्योति खंडेलवाल को टिकट देकर कांग्रेस ने महिला मतदाताओं के साथ वैश्य समाज को साधने की भी कोशिश की है, लेकिन तेज तर्रार स्वभाव वाली ज्योति अक्सर विवादों में भी घिरी रहती है। विधानसभा चुनाव के समय ज्योति खंडेलवाल ने जयपुर की किशनपोल विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर दावा जताया था। टिकट न मिलने पर ज्योति ने कांग्रेस महासचिव के पद से इस्तीफा देकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। ज्योति खंडेलवाल का नई दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़कर ऑटो रिक्शा पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की कार का पीछा करने का किस्सा भी काफी मशहूर है। एक बार ज्योति खंडेलवाल की बेटी अक्षिमा की फेसबुक आईडी हैक हो गई थी, लेकिन उस पर भी मीडिया की सुर्खियां ज्योति खंडेलवाल को ही मिली थी। ज्योति खंडेलवाल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीक माना जाता है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि जयपुर शहर की सीट पर कांग्रेस के लिए ज्योति खंडेलवाल से बेहतर कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं हो सकता था। ब्राह्मण समाज से संबंध रखने वाले रामचंद्र बोहरा पेशे से किसान हैं। हाई सेकेंडरी तक शिक्षित रामचंद्र बोहरा 1995 में जिला परिषद के लिए चुने गए थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर महेश जोशी ने भाजपा के घनश्याम तिवारी को मात्र 16,000 वोटों के अंतर से हराया था, लेकिन 2014 के चुनाव में रामचंद्र बोहरा ने 5 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़त हासिल करके कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर महेश जोशी को करारा जवाब दिया था। इतनी बड़ी हार के कारण ही कांग्रेस हाईकमान ने इस बार डॉक्टर जोशी की दावेदारी को गंभीरता से नहीं लिया। राजनीति के जानकारों का मानना है कि राजस्थान में इस बार राष्ट्रवाद का मुद्दा प्रमुख रहने वाला है। मतदाताओं की वसुंधरा राजे सरकार से नाराजगी विधानसभा चुनाव में निकल चुकी है। जानकारों का मानना है कि पूरे राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में लहर चल रही है। यह लहर मतदान का समय पास आने के साथ साफ दिखाई देने लगेगी। ऐसे में जयपुर शहर लोकसभा हल्के से भाजपा के रामचंद्र बोहरा को कोई बड़ी चुनौती मिलती दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।